कठुआ जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के चलते आज जिला प्रशासन कठुआ कोर्ट रोड पर बने खोखों को हटाने पहुंचे तो उन्हें खोखा मालिकों का विरोध सहन करना पड़ा। प्रशासनिक अधिकारियों ने खोखा मालिकों को नगरी अड्डा पर खोखा लगाने की जगह भी दिखाई, लेकिन खोखा मालिक इस जगह से संतुष्ट नहीं हुए, जिसके चलते प्रशासनिक टीम को बेरंग ही वापिस खाली हाथ लौटना पड़ा। वहीं नगर परिषद के सीओ कठुआ का कहना है, क्या नहीं नहीं नाकाम नहीं नजर आया, ये हमने इनको जगह भी दिखाई है, इन्होंने जगह देख ली है और ये कह रहे हैं हम टाइम मंगाया, हम शाम तक ये उठा लेंगे, सामान उठा लेंगे। कहाँ पे सर इनको जगह दी है? नगरी परोल बस स्टैंड पे, नगरी परोल जो बस स्टैंड है वहाँ पे जगह दी है। शाम तक उसके बाद कार्रवाई कर दी जाएगी? हाँ, ये अगर नहीं खाली, नहीं इन्होंने कमिटमेंट की है, बोल दिया है इन्होंने, प्रशासन के साथ है, सभी के साथ मिलकर बात हुई है कि हम इसको शाम तक उठा लेंगे, उठा रहे हैं, आस्था लगे हुए हैं सारे। सर बड़ी बात आपके सामने है, जब भी अतिक्रमण हटाने आप जाते हैं, हाँ, लोगों के साथ झड़प होती है, उसकी कोई पहले स्ट्रैटेजी नहीं बनती? हरासमेंट तो है लोगों की, एक ट्रैफिक जाम है। ये खुद ही सुबह से इनसे बात हुई है, परसों की डी साहब ने इनको बताया था कि मंडे तक उठा लो, यह कल रख रही थी जन्माष्टमी उसके कारण है, आज ये सुबह से ही लगे हैं उठाने, खुद ही उठा रहे हैं सामान, ये और प्रशासन के साथ साथ दे रहे हैं। सर उन्होंने जगह दी, जगह बताते हैं हमें नगरी अड्डे में, उधर कोई सेफ्टी नहीं है किसी किस्म की भी, चोर की भी सेफ्टी नहीं है, किसी बदमाश की भी सेफ्टी नहीं है, उधर कोई काम की भी सेफ्टी नहीं है। और मेरी ये मांग है कि ये जो इनक्लोजमेंट, ये जो है पार्किंग वाली जगह, ये भी गवर्नमेंट की है और हम भी गवर्नमेंट के नागरिक हैं, एक ये पार्किंग भी चलता रहे और फ्रंट में हमें खोखे के लिए थोड़ी थोड़ी काम करने के लिए ये जगह दी जाए, जिससे हमारी रोजी रोटी भी चलती रहे। जहाँ अगर नाले के जहाँ हम बैठे हैं इसके पीछे भी जगह खाली पड़ी है, इसके पीछे अगर नाला पड़ा जहाँ हमें वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, और इसे हमें कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है, हम गवर्नमेंट के नागरिक हैं, गवर्नमेंट के साथ चलने को तैयार हैं, गवर्नमेंट की हर बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन हमें ये चाहते हैं कि हमारी रोजी रोटी ना छीनी जाए, किसी किस्म का जबरदस्ती का डंडा ना चला रहे हैं, और ना ही कोई किसी किस्म का नोटिस देते हैं, और मुंह से मीडिया को कुछ बताते हैं, हमें कुछ कहते हैं, और दुनिया को गुमराह कर रहे हैं ये अफसर लोग। अभी प्रशासन के अधिकारी आए थे, उनका कहना था कि शाम तक का समय सब सहमति बन चुकी है। नहीं नहीं नहीं, यह गलत है, उन्होंने हमारे साथ कहा है कि कल आप, मैंने उनसे पूछा, वो कहते थे कि डीसी साहब से आप सुबह मिल लेना कल, तो कल तक आपको हम, जब तक आप डीसी साहब का कोई डिसीजन नहीं आएगा तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अगर आप डीसी साहब या कोई प्रशासन चोरी चकारी करता है या गुंडागर्दी करता है रात को, या कोई आदमी मर जाता है, उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, इसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, और हम लाठी गोली खाने के लिए भी तैयार हैं। अगर डीसी साहब हमारी बात नहीं मानेंगे हम सड़क पर लेट जाएंगे। कितने सालों से आप कर रहे हो ये? मैं 40 साल से जांच कर रहा हूँ, जब चौधरी चक्र सिंह जहाँ पर चेयरमैन थे। और किराया पूरा जा रहा है? हाँ, किराया पूरा जा रहा है, ले रहा किराया ये? हाँ जी, कमेटी ले रही है। फिर आज क्या नौबत आ गई उठाने की? हाँ जी, आज नौबत क्या? ये कहते हैं जी इंक्लोजमेंट है, सड़क चौड़ी करनी है, क्या कुछ भी करना है, हम इनके साथ सहमत हैं, लेकिन हमें चाहिए जगह जहाँ पर हमारा रोजी रोटी का काम चल जाए। हमने जगह को कैसे जफील करनी है, क्या उधर सोने के लिए लेनी है, जगह काम के लिए लेनी है, काम हमारा यहाँ चल सकता है, यहाँ पर हर किस्म की सेफ्टी भी है, उधर हमारी कोई सेफ्टी नहीं है। दिन दोपहर को दुकानदार को अगर चार बदमाश आकर चाकू मारकर चल जाए तो लोग अपनी दुकानें संभालेंगे या उसकी रक्षा करेंगे? कितना किराया ले जाता था कमेटी द्वारा? या 100 रुपये महीना लेते हैं, स्लिप वगैरह काटते थे? हाँ, काटते थे। क्या समझते हैं कि लोगों की रोजी रोटी छीन के रोड चौड़ी हो रही है, कहाँ तक ठीक है? और किसी को बसाया नहीं जा रहा, सबको उजाड़ा जा रहा है, जहाँ पर इतने लोग बेरोजगार हुए हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। सरकारी मुलाजिम को लगता है कि सभी लोग रोटी खा रहे हैं, लेकिन जिसके घर में रोटी नहीं बनती उसको प्रशासन की कोई खबर नहीं है। विकास कितना हो रहा है जी? विकास कितना? विकास शहर में उजाड़ पड़ी हुई है हर जगह पर, पार्किंग जरूरी है, बाग जरूरी है, गरीबों के लिए रोटी जरूरी नहीं है। क्या वो लोग अच्छे हैं जो श्रीनगर में गोली चलाते हैं या पत्थर फेंकते हैं? क्या हम लोग जो सिर्फ लोग मेहनत करके रोटी खाते हैं, या उनके लिए सब कुछ है? कठुआ से मोहन शर्मा, अलर्ट इंडिया न्यूज़।